लॉकडाउन को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रायपुर की सड़कों पर कानून व्यवस्था का जायजा लेने निकले। उन्होंने शहर के कई चौक चौराहों पर पुलिसकर्मियों से कोरोना से निपटने की जानकारी ली, साथ ही लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की और सवालों के जवाब दिए। हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं, शहर के कानून व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे हैं, कहां 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 से आ रहे हैं। मंत्री जी, अभी आप बाहर निकले हैं, किस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है? अभी देखने के लिए निकले हैं, लॉकडाउन का पूरी तौर पर यहां की जनता स्वीकार कर रही है, कोई भीड़ नहीं है, कोई निकले नहीं है, पूरी तौर पर बंद है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों से भी मैं जानकारी लिया कि आपको कोई परेशानी तो नहीं होती, सारे लोगों ने मुझे जानकारी दी कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, मन से ड्यूटी कर रहे हैं। मैं पूछा कि चाय पानी की व्यवस्था, पानी, तो बोले स्वयं सेवी संस्थाएं हैं जो आकर के उनको चाय पानी पिलाते हैं। मैंने उनसे पूछा मॉइस्चराइज, मास्क लगाने का, सैनिटाइज करने का, तो सारी व्यवस्था उनको है, हमारे SSP और सारे लोग उनको बराबर व्यवस्था किए हैं। आज भी कुछ लोगों को हम लोग बांट रहे हैं सैनिटाइज और उसको, तो एक अच्छी व्यवस्था है। अभी आप जनता से भी बातचीत की है, किस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, क्या बातचीत हुई है? जनता तो बहुत कम है, एक दो निकले हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। मूल पुलिस वालों से ही जानकारी लिया तो सभी अच्छा है, किसी को कोई परेशानी नहीं। 48 घंटे के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें ना सब्जी वाले हैं ना राशन वाले बाहर हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी दुकान खोला गया है, टाइम से खोला गया है, 3 बजे तक उसका है, मेडिकल स्टोर को पूरा खुला हुआ है, किराना दुकान भी बराबर 3 बजे तक है, तो समय के हिसाब से चलें तो कोई परेशानी नहीं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कर्फ्यू देखने के लिए बाहर निकल जाते हैं कि यहाँ चलो शहर के दृश्य देख के आते हैं? मैंने एक ही बात कहा है कि आपका जीवन आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए कीमती है, कृपया घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रहने दें। इस अवस्था में जो पुलिस वाले और स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कहें? पुलिस वाले, स्वास्थ्य कर्मी जो इसमें दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके मेहनत के कारण ही हम छत्तीसगढ़ में लोगों की जान बचाने में कामयाब हो रहे हैं। लास्ट सवाल, ये जो मरीज ठीक होते जा रहे हैं अपने यहाँ, तो ये आप किस तरह से देखते हैं? मैंने पहले कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता और अधिकारी कर्मचारी सब ने इस लॉकडाउन का भरपूर सहयोग किया, इस कारण से ये फैलने से बचा और जो लोग एडमिट हुए, पॉजिटिव हुए, वो बच के जा रहे हैं, सुरक्षित जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहिए, जो केंद्र सरकार से पहले राज्य के अंतर्गत हर सुविधाएं, हर चीज को उन्होंने किया, ध्यान दिया, ये इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। तो अभी आपने गृह मंत्री को सुना, जिनका साफ कहना है कि जो आज छत्तीसगढ़ में जो कंट्रोल की स्थिति है, इसके पीछे यहाँ के जनता और यहाँ के शासन प्रशासन का हाथ है। फिलहाल उन्होंने ये महामारी में जो बाहर ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस कर्मी, यातायात कर्मी और इस तरह के कई सामाजिक संस्थाएं, उनको बधाई देते हुए उन्हें कहा है और लोगों से अपील करते हुए कहा है, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अपने ही जान जोखिम में नहीं डालते बल्कि अपने परिवार के लिए जोखिम में डालते हैं और आपका जीवन आपके परिवार के लिए अमूल्य है। तो इस तरह वो लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। कैमरा मैन नागलकर के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।